अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आपकी क्लास बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका लास्ट टॉपिक है, जो कि हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, जिसका नाम है दुआ। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने आपको दुआ के बारे में बताया कि उसका क्या मतलब है, फिर उसकी अहमियत आपको बताई, फिर तौबा इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है और अल्लाह ताला का क्या हुक्म है इसके बारे में, फिर दुआ के फ़ज़ाइल हमने पढ़े, दुआ को मांगने के आदाब हमने पढ़े, दुआ के क्या आदाब हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है दुआ के फ़ायदे। ठीक है, यकीनन जैसे कि कहा गया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मगज है, तो इस बातों से जो है आप दुआ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यकीनन दुआ जो है फ़ायदे से खाली नहीं है, बिल्कुल भी, बेशुमार फवाइद जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। तो दुआ मांगने के बहुत फ़ायदे हैं, तो हम एक एक फ़ायदा आपको बताते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आप पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। पहली जो इसका पहला फ़ायदा है, दुआ की वजह से, दुआ मांगने से अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत बढ़ती है और साथ साथ दिल में अल्लाह पर एतमाद पैदा होता है। ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और जो है अल्लाह पर एतमाद बढ़ता है, क्योंकि दुआ मांगते हुए इंसान इस यकीन के साथ दुआ मांगता है कि मैं जिस हस्ती के सामने अपनी दुआ को पेश कर रहा हूँ, वो हस्ती कभी भी दुआओं को रद्द नहीं करती। उसका वादा है कि मैं दुआओं को ज़रूर कबूल करता हूँ, और वो हमें कहता है, ख़ुद उसका हुक्म है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो ये जो है अल्लाह का वादा बंदे को अल्लाह ताला के सामने जब पेश करता है, तो वो इस एतमाद के साथ पेश होता है कि मेरी इस दुआ को ज़रूर कबूल किया जाएगा, और फिर उसके दिल में अल्लाह ताला की जो है मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और अल्लाह पर एतमाद जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है, हम दुआओं में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, नादिम होते हैं, और ये निदामत जो है हमें जो है मज़ीद आइंदा नेक काम करने में मदद देती है, हमें जो है वो नेकी के काम करने की तौफीक मिलती है। ठीक है, तो हम दुआओं में क्या करते हैं, गुनाहों पर निदामत करते हैं। तो इसका दूसरा फायदा क्या है, गुनाहों पर निदामत की वजह से आइंदा नेकी की तौफीक मिलती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें, इंसान के अंदर आजिज़ी और इंकसारी पैदा हो जाती है और वो हर ज़रूरत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है और ये ईमान के अल्लाह ताला जो है कायनात का मालिक है, खालिक है, हम सब का माबूद है, हम जो है उसी की इबादत करते हैं, उसका कोई शरीक नहीं है, तमाम ताकत अल्लाह ताला के पास है, तो ये बातें जो है इंसान को अपने आप को आजिज समझने में जो है मदद देती है, और इंसान जो है अल्लाह ताला को पावरफुल और अपने आप को जो है इंतहाई छोटा महसूस करता है, और ये एहसास जो है
उसे अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करता है और अपने तमाम तरहजात जो है उसके सामने पेश करने के लिए जो है वो तैयार करता है। तो इस तरह इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा होती है और इंकसारी पैदा हो जाती है और अब जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाता बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने अपनी हर ज़रूरत को पेश करता है, क्योंकि उसे उसका ईमान है कि उसकी तमाम तर ज़रूरतों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही पूरा करेगा। उसके ऊपर जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, उसको सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर करेगा। ठीक है, तो दुआ के ज़रिए इंसान में आजिज़ी और इंकसारी पैदा होती है और इंसान हर ज़रूरत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकता है, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाता है। ठीक है, दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होता है। कितनी बड़ी बात है कि आप किसी से कोई एक चीज़ मांग लें तो वो शख्स जो है वो नाराज़ हो जाता है, दोबारा तिबारा मांगने की तो बात नौबत आती ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जब जब मांगो, जितनी बार मांगो, हर बार मांगने से अल्लाह ताला खुश होता है, क्योंकि वो ख़ुद हुक्म दे रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बल्कि अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है जो ना मांगने पर नाराज़ हो जाती है, वो तो हर वक्त तैयार है देने के लिए। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कोई उससे मांगने वाला हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो मांगने से खुश होती है, लिहाजा दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, दुआ इबादत का मगज है, इसलिए दुआ मांगने से इबादत की तकमील होती है। कोई भी इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप जो है उसके आखिर में अल्लाह ताला से माफ़ी दुआ ना मांगें। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस बात से खुश होता है, आपने नमाज पढ़ ली, सब कुछ तमाम फराइज अंजाम दे लिए, नमाज के तमाम अरकान अदा कर लिए और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से ना मांगा, दुआ ना मांगी, तो आपकी इबादत मुकम्मल नहीं हुई। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदे को कहता है कि मेरी इबादत भी करो, मेरी तारीफ और पाकी भी बयान करो, अपनी हाजात भी पेश करो, अपने मसाइल भी पेश करो, अपनी ज़रूरियात भी पेश करो, क्योंकि मैं अल्लाह तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करके खुश होता हूँ। तो इस तरह जब तक आप दुआ नहीं मांगते आपकी इबादत मुकम्मल नहीं होती। इसलिए फरमाया गया कि दुआ जो है इबादत की तकमील है। ठीक है, दुआ से इबादत मुकम्मल होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और फिर आपको मालूम है कि जब मुसलमान दुआ मांगने के लिए अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो वो कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, मुसलमान खुद गर्ज नहीं होता, मुसलमान बेगर्ज होता है, उसके दिल में अपने तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत होती है। इसलिए जब वो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाता है, दामन फैलाता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता बल्कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए रहमत तलब करता है, उससे अल्लाह से जो है उस अल्लाह से जो है भलाई तलब करता है, अपने तमाम मुसलमानों के लिए जो है अल्लाह ताला से मांगता है। तो इससे जो है उसके दिल में जो मुसलमानों की मोहब्बत है वो ज़ाहिर होती है और इतना और बढ़ जाती है, ये मोहब्बत और उल्फत मज़ीद बढ़ जाती है और तमाम मुसलमान जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो दुआ मांगने से
मुसलमानों में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। और फिर जब अल्लाह ताला से बंदा मांगता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर एतमाद करता है, हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला को याद करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश होकर उसे नूरानियत अता फरमाकर उसके चेहरे को नूरानी कर देता है, चेहरे से नूर बरसता है, अल्लाह ताला जो है उसके चेहरे को बारौनक कर देता है। ठीक है, चेहरा नूरानी हो जाता है और दुआ मांगने से रूहानी सुकून हासिल होता है, रूहानी सुकून हासिल होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बंदा जो है इस बात से बेपरवाह हो जाता है कि अब उसने अपनी मुश्किल अल्लाह के सामने पेश कर दी, अपनी हाजत अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने पेश कर दी, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, अब अल्लाह का काम है कि वो मुझे माफ़ कर देगा और ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि उसका एतमाद है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरी फरमाएगा, अल्लाह उसकी मुश्किल को ज़रूर हल करेगा, ये एतमाद और ये यकीन दुआ मांगने वाले के दिल को रूहानी सुकून अता फरमाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे दुआ के फ़ायदे। इसके बाद आप देखें आपकी बुक में कुछ कुरानी आयात बयान की गई हैं, दुआएं सॉरी आयात हैं, लेकिन वो दुआओं की सूरत में हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगने के लिए जो है कुरान में बहुत सारी आयात जो नाजिल फरमाई, अगर हम जो है उन दुआओं को याद कर लें और उनको उस जो है उसी तरीके से अल्लाह ताला से उस तरीके से मांगें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो वैसे तो अल्लाह से जब दिल से मांगा जाता है किसी भी ज़बान में मांगे, अल्लाह ताला तो कबूल करता है, वो तो हर अपने बंदे की हर ज़बान को समझता है। ज़रूरत है खुलूस की, ज़रूरत है यकीन की, ज़रूरत है ईमान की, एतमाद की। ठीक है, तो ये कुछ दुआएं हैं। पहली जो दुआ है आप देखें सूरह फातिहा जो है उसकी 5, 6 और 7 आयात हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लजीना अनअमता, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजलो करम किया या करता रहा, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के ना उन लोगों के जिन पर गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी जा रही है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों पर जिनसे तू खुश हुआ जो तेरे बंदे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारी, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चला, और वो लोग जो तेरी नाफरमानी करते रहे जो तेरे नाफरमान रहे और जिन्होंने तेरे हुक्म की जो है वो मतलब कहना चाहिए कि हुक्म अधूली की और उस पर अमल नहीं किया, तो ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा, और उन लोगों पर जो गुमराह हो गए उन लोगों के रास्ते से बचा। ठीक है, तो ये हमें जो है अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाओ, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता। एक और दुआ है जो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, ये भी ये सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति वक़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी नेकी अता कर और आखिरत में भी नेकी, और हमें दोज़ख से अज़ाब के अज़ाब से बचा। ये बहुत प्यारी दुआ है कि जिसमें अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई तलब की गई है,
और आखिरत के अजाब से बचने की दुआ की गई है। तो हमें जो है हर वक्त ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया यानी दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, हमें भटकने से बचाए, बुराइयों से बचाए और आखिरत के अजाब से बचाए। ठीक है, एक और देखें आप सूरह आल इमरान, रब्बना व आतिना मा वअतना अला रसूलिका वला तुखजिना यौमल कियामा इन्नका ला तुखलिकुल मियाद। ए हमारे रब, तूने जिन जिन चीज़ों के हमसे अपने पैगंबरों से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना कीजियो, कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करता। एक और दुआ देखें आप, रब्बना फिर ली वली वली दैया वली मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। ये भी दुआ हम नमाज में पढ़ते हैं और सूरह इब्राहिम की 41 आयत है जिसमें अपने लिए और अपने वालदैन के लिए और तमाम मुमिनीन के लिए मगफिरत तलब की गई है। हमें अल्लाह ताला से हर वक्त जो है अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए कि या अल्लाह तो हमें हमारे गुनाहों से जो है कि मगफिरत फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे और ना सिर्फ ये कि हमें बख्श दे हमारी मगफिरत फरमा बल्कि हमारे वालदैन की भी मगफिरत फरमा और कुल मुमिनीन जितने भी मुसलमान हैं उन सब की मगफिरत फरमा। सब के लिए दुआएँ मांगनी चाहिए तो अल्लाह ताला खुश होता है, ना जाने किसकी दुआ जो है किसके लिए कबूल हो जाए, इसलिए जब भी दुआ मांगें सब के लिए दुआ मांगें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये दुआएं याद कीजिए और एक दूसरे को सुनाइए ताकि याद करके एक दूसरे सुनाए ताकि आपको याद हो जाए और इन दुआओं को आप पढ़ें नमाज के वक्त और जैसी भी जब भी मौका मिले अल्लाह ताला से जो है दुआएं मांगें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा। अब जो है आप क्लास वर्क की तरफ आ जाइए। ठीक है, कॉपीज निकाल लीजिए सब बच्चे। आज का पहला सवाल, दो खाली जगह पूर करें। ठीक है, नेक्स्ट दो MCQs हल करें और दो जुमले दुरुस्त करें। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आज का होमवर्क, सब बच्चों ने क्लास वर्क कर लिया है ना, तो जल्दी से आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। आज का पहला सवाल है आपका दुआ के फायदे लिखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ और फायदे आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दो पुरानी दुआएं और उनके तर्जुमे लिखिए। ठीक है, तो ये तो था आपका होमवर्क और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त खत्म हो गया है। हमने आज चैप्टर नंबर 3 भी खत्म कर लिया है आपकी बुक का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।